श्री राजबिहारी जी बोस पूर्वी एशिया की जंगे आजादी की नुमाइंदो बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी एशिया की जंगे आजादी के नेता बनाया इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अब ये वक्त निहायत नाजुक है। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़े और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा सकें। ये काम अगर करना है, प्रोविजनल गवर्नमेंट अपनी इंडिया कायम करना है, तो हिंदुस्तान के पास होता सकता है, अंदर नहीं हो सकता। और अब देखेंगे कि दुनिया की तारीख में भी ये नई बात नहीं है, दूसरे इंकलाब ने इस जंग में देखो स्लोवैन ने क्या किया था, उन्होंने पेरिस और लंदन में जाकर पहले मरतबा उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को कायम किया। और इसका सौ मैं मिसाल में दे सकता हूं कि तारीख की कुछ नई चीज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख एक नई बात है। और हमारे हमदनों को ये बता देंगे कि ये काम तुम्हारे लिए करना है, लेकिन क्योंकि अंदरूनी हार कहती है तो नहीं कर सकते, हमें करना है। लेकिन इस आरजी हुकूमत का मकसद क्या हो, सिर्फ लड़ना और हिंदुस्तान को फायदा करना। हमारे सामने एक ही प्रोग्राम रहेगा, फाइटिंग प्रोग्राम, लड़ाई का इंतजाम करना, लड़ाई शुरू कर देना और कामयाब करना लड़ाई। जब हम फिर लाल किले दिल्ली में जाकर वह हमारे विक्ति परेड करेंगे, यह रास्ता सीधा है, हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है, आप इनमें कामयाब होंगे। इस रास्ते में हम क्या दिखते हैं, हम सब गुलाम हैं, हमारे हाथ में हाथ है क्या, हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, विपदें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो, कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा।